हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विद गैजेट। ये है सैमसंग M12। इसका टॉर्च बहुत डैमेज हो गया है, मैं इसका टॉर्च को रिप्लेस करूँगी अभी, इसको अच्छे से करूँगी मैं। आप लोग भी आसानी से कर सकते हो, लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट इसका सिम ट्रे को निकालूँगी क्योंकि सिम ट्रे डैमेज हो सकता है बैग को ओपन कर लगे टाइम में। अभी मैं ये जो प्लास्टिक ट्रायंगल टूल है इसका मदद से मैं इसका चारों तरफ में जितने लॉक है इसको अनलॉक कर दिया। लगभग हो गया हमारा अनलॉक और थोड़ा बहुत है, उसका बाद में इसका बैक को ओपन करूँगी। ये हो गया ओपन। अभी इसको फिंगरप्रिंट है जो साइड में, इसको हटाना चाहिए नहीं तो टूट सकता है। मैं इसको साइड में रखूँगी। अभी जितने भी ऊपर साइड में जितने भी स्क्रू है उसको मैं रिमूव करूँगी। उसका बाद जो बोर्ड का ऊपर जो कवर है उसको उठाऊंगी। ये हमारा हो गया। अभी मैं इसका बोर्ड का ऊपर जो कवर है मैं इसको हटाऊंगी। ये हट गया हमारा ऊपर का कवर। अब ये है डिस्प्ले का फ्लेक्स और एक फ्लेक्स नीचे है, इसलिए मैं नीचे का कवर को भी हटाऊंगी। उसको पहले इसका स्क्रू निकाल दिया। अभी इसका कवर को आराम से उठाएंगे, धीरे से उठाना है नहीं तो टूट सकता है कुछ। ये नीचे भी एक फ्लेक्स है, डिस्प्ले का फ्लेक्स, ये छोटा सा और एक बड़ा सा, उसके मेन बोर्ड में एक, सब बोर्ड में एक। इसको मैं रिमूव कर दिया। अभी हमारा प्रोसेस डिस्प्ले कैसे ओपन करेंगे वो देखें। ये मैं एक प्रोटेक्शन के लिए एक स्क्रू लगा दिया और कवर को भी लगा दिया, मेन बोर्ड में बार बार हाथ नहीं लगेगा इसलिए। अभी मैं इसको सेपरेटर में 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर में इसका हीट करूँगी। हमारा लगभग हो गया हीट। अभी मैं ये जो ब्लेड है इसका मदद से मैं डिस्प्ले को चारों तरफ से लूज करूँगी। लूज होने के बाद मैं इसको फ्री करूँगी डिस्प्ले को फ्रेम से। थोड़ा सा जगह बनाने के बाद मैं इसको एक पतला सा पन्नी के मदद से इसको फ्रेम को फ्री करूँ। यह हो गया हमारा, थोड़ा सा जगह बन गया। यह है कि उसी का एक पन्नी है, उसको मैं यूज करूँगी डिस्प्ले रिमूव करने के लिए। ये अच्छे से कटिंग करेगा, ये बहुत पतला है, ये डिस्प्ले को भी कुछ भी नहीं डैमेज पहुँचेगा, डैमेज होने के चांसेस भी नहीं है। इसको थोड़ा मैं और हीट किया क्योंकि हीट इसका डिक्रीज हो गया। अभी मैं और एक बार अच्छे से फ्री करूँगी डिस्प्ले को ये जो पतला सा पन्नी के मदद से। इससे करने से डिस्प्ले नहीं टूटता है। अब भी इस तरह डिस्प्ले को फ्री कर सकते हो फ्रेम से। यह है अच्छा प्रोसेस। थोड़ा बहुत टाइट होगा तो थोड़ा ग्लू रिमूवर और फ्रेम रिमूवर डाल सकते हो। फ्रेम रिमूवर अच्छा होगा और फाल्कन भी डाल सकते हो। यह हमारा हो गया डिस्प्ले फ्री। थोड़ा बहुत टाइट है इसलिए मैं ब्रेड लगाया और थोड़ा केमिकल डाल लिया नीचे। ये मैं थोड़ा डाल लिया केमिकल। ये हो गया ग्लू ढीली। अभी मैं इसका डिस्प्ले को आराम से निकाल लिया फ्रेम से। अभी इसको टॉर्च को सेपरेट करना है डिस्प्ले से। ये टेप लगा दिया क्योंकि इसका टॉर्च बहुत डैमेज हो गया है, इसलिए मैं टेप थोड़ा बहुत लगाया, दो टेप लगा दिया। अभी मैं इसको सेपरेटर में रखूँगी 90 डिग्री टेम्परेचर में। याद रखना है 90 डिग्री टेम्परेचर अच्छा है डिस्प्ले के लिए। मैं अभी वैक्यूम ऑन कर दूँगी। ये हो गया वैक्यूम ऑन। ये जो वायर मैं यूज कर रहा हूँ 0.05 mm का वायर, इसको मैं 2-3-4 बार चलाऊंगी ऊपर क्योंकि इसका नीचे पोलराइजर का नीचे जाना चाहिए नहीं तो पोलराइजर डैमेज हो सकता है, इसलिए ऊपर में 2-3-4 बार मैं चलाया। ये हो गया हमारा लगभग कटिंग। और एक बार भी मैं कटिंग करूंगी दोबारा क्योंकि अच्छे से कटिंग होना चाहिए टच। ये एक बार हो गया और एक बार मैं चलाऊंगी अच्छे से फ्री होने के लिए टच डिस्प्ले से। ये हमारा हो गया फ्री डिस्प्ले फ्रॉम टच। ये इसका टच है, बहुत टूटा हुआ था, इसको मैं चेक कर दिया। ये डिस्प्ले अच्छा है। अभी जो ग्लू रिमूवर मैं लगा रहा हूँ ये केमिकल, इसको थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत नहीं डालना है नहीं तो रिफ्लेक्टर में चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा 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 लगा दिया ये ग्लू लूज होने के लिए। ये लूज हो गया
एक मिनट के बाद इसका जो टूल है ग्लू रिमूवर मशीन, उसका मदद से मैं इसका ग्लू को अच्छे से क्लीन करूँगी। इस तरह आप भी क्लीन कर सकते हो अच्छे से, और आसानी से भी डिस्प्ले 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ग्लू जितना अच्छा क्लियर करोगे उतना फिनिशिंग आएगा टॉर्च बिठाने से। पूरा अच्छे से क्लीन करना है ग्लू को। ये हो गया लगभग हमारा क्लीन, और नीट एंड क्लीन करना है ग्लू को। एक थोड़ा थोड़ा केमिकल डाल के मैं इसका डिस्प्ले को क्लीन कर रहा हूँ। ये जो डिस्प्ले, ये हो गया। अभी मैं इसको फ्रेम में डालूँगी, थोड़ा चेक करूँगी इसका, अभी फाइनल टेस्ट फाइनल क्लीनर करूँगी, क्लीन करूँगी जो केमिकल है। यस, आप भी फाल्कन भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये बेस्ट का क्लीनर यूज कर रहा हूँ, ये अच्छे से क्लीन करता है। ये क्लीन होने के बाद मैं इसका टॉर्च इसका ऊपर लगाऊंगी। ये मैं उसी विथ टॉर्च लगा रहा हूँ, यहाँ पर उसी ऑलरेडी लगा है। ये मैं इसको अच्छे से एज टू एज बिठाना है, नहीं तो डिस्प्ले फ्रेम से फिटिंग नहीं आएगा। इसलिए मैं, ये हमारा टॉर्च अच्छे से बैठ गया डिस्प्ले में। अभी मैं इसको मशीन में प्रेस करूँगी, लैमिनेट करूँगी इसको। मैं रख दिया मशीन में, अभी मैं इसको प्रेसिंग करूँगी। ये हमारा चार प्रेसिंग प्रोसेस में हो गया। ये प्रेसिंग डिस्प्ले को कर रहा है अभी। ये हो गया हमारा प्रेसिंग। डिस्प्ले का फिनिशिंग कैसा है मैं दिखाऊंगी आपको अभी। ये बहुत क्लीन है डिस्प्ले, थोड़ा बहुत बबल होगा तो मैं इसको बबल रिमूवर में डाल दूंगी। अभी पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, बबल फ्री हो जाएगा था, और डिस्प्ले और अच्छा लगेगा। मैं बबल फ्री होने के बाद मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊंगी। ये हो गया हमारा बबल फ्री डिस्प्ले, मस्त लग रहा है, पूरा नया जैसा हो गया। अभी मैं इसको फ्रेम में बिठाऊंगी। फ्रेम को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, मैं क्लीन कर दिया फ्रेम को। अभी मैं इसका ऊपर ग्लू लगा रहा हूँ। ग्लू चारों तरफ से लगाना है अच्छे से। ऊपर एक सेंसर है उसका, उसको छोड़ के और सब तरफ लगाना है जो ग्लू गम है। ये मैं लगा दिया, ये हो गया हमारा ग्लू लगाना। थोड़ा थोड़ा लगा दिया हमें अच्छे से ग्लू लगाना से, जितना अच्छे ग्लू लगाओगे उतने फिटिंग आएगा डिस्प्ले। ये मैं डिस्प्ले को सेट करूँगी फाइनल सेट। ये हो गया हमारा डिस्प्ले सेटिंग। अभी मैं डिस्प्ले का फ्लेक्स को दोबारा लगाऊंगी बोर्ड और सब बोर्ड में। ये इसको अच्छे से लगाना है, पहले जैसे इसका ऊपर में जो कवर था मैं इसको लगाऊंगी। उसके बाद जितने भी स्क्रू था मैं उसको टाइट करूंगी। नीचे भी सेम जो है हमारा ये कवर, इसको लगा के मैं इसका स्क्रू को, सब स्क्रू को टाइट करना है। उसके बाद हमारा फिंगरप्रिंट को मैं प्लग करूंगी बोर्ड में। ये मैं फिटिंग कर दिया फिंगरप्रिंट को। अब इसको फाइनल फिटिंग करेंगे, इसका बैक कवर को अच्छे से लॉक पकाना है चारों तरफ से। ये हो गया लॉक, हमारा डिस्प्ले अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं मैं अभी चेकिंग करके दिखाऊंगी। अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा डिस्प्ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, अनसब्सक्राइब द चैनल। डिस्प्ले पूरी